चंदा केसी सुनने वाले सभी प्रेमी श्रोताओं को राम राम। चंदा केसी में सुनो आज कथा बहुत गंभीर, श्रोताओं के जिगर में लगे खटक के तीर। लगे खटक के तीर सज्जनों गम की भरी कहानी, और ऋषि पाल को सिंदर संग में अमित की मीठी वाणी। सज्जनों की सेवा में चंदा किसी के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं बहुत गंभीर मार्मिक हृदय में खटक पैदा करने वाली गाथा, जानी पहचानी श्रोताओं धर्मवीर फूल कुमारी। जी हां सज्जनों, चंदा किसी के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं किस्सा धर्मवीर फूल कुमारी। आइए सुनते हैं। हिंदुस्तान के अंदर राज्य उत्तर प्रदेश में सजनों जिला सहारनपुर पड़ता है, और जनपद सहारनपुर में एक गांव है जिसका नाम किशनपुर। प्रेमी सजनों, गांव किशनपुर के दो भाई फूल सिंह और बल्लू राम, और उनकी एक माजाई बहन जिसका नाम फूल कुमारी। प्रेमी सजनों, ये फूल कुमारी प्रेमगढ़ी गांव में नजदीक ही ब्याही थी, और इस फूल कुमारी के पति का नाम धर्मवीर था, इसलिए इस किस्से का नाम मशहूर हो गया धर्मवीर फूल कुमारी। प्रेमी सजनों, इनका धर्मवीर का जो बहनोई था, जो इस कहानी में एक मोड़ पैदा करेगा, उसका नाम था फौजी विजयपाल सिंह। सजनों, फूल कुमारी का रिश्ता तय हो गया धर्मवीर के साथ, लेकिन धर्मवीर शादी होने के तुरंत बाद, क्योंकि फौज में भर्ती था, फौज में चला गया, लेकिन गौना नहीं हो पाया। दोस्तों, जर्मन का जंग छिड़ गया हिंदुस्तान से, और उस जर्मन के जंग में हिटलर ने हिंदुस्तान की धर्मवीर वाली फौजी टुकड़ी को बंदी बना लिया, और पूरे 5 वर्ष बीत गए। फूल कुमारी ने फौज में धर्मवीर के पास कई पत्र भेजे, लेकिन धर्मवीर तो बंदी था, किसी पत्र का कोई जवाब नहीं आया। परेशान है, किस तरह से फूल कुमारी वियोग और कलह में है, और किस तरह से दिल की तड़फन सुना रहे हैं फौजी धर्मवीर। आइए सुनते हैं। पीहर के मां पड़ी हुई प्रीतम की याद सतावे, रो करके याद पति की दिया घना दुख पावे। परदेश
जसक कसाई ब्याही होके पी हर के बा भोगू घनी तबाही पति छोड़ के कड़े गया ब्याही की याद न आई सही नजारी पिया की मेरे पे आज जुदाई काया खाई चिंता ने यो काल न बेरी खावे रोऊं करके याद पति की जिया घना दुख पावे परदेसा में पड़ा रे वीर ब्याही की याद सतावे कर कर याद रोबती होगी या मन के आवे कैसे झाल डांटती होगी केली रह के बिन बालम के कति नाटती होगी आती होगी याद व कैसे रात काटती होगी पूरी रात जाग के रा मुश्किल दुख बांटती होगी याद सतावे रोम करके याद पति की या घना दुख पावे तड़पती छोड़ी देख पत्रा पंडित ने भागहीन मिलाई जोड़ी बिन बालम जी लागे कोना घनी अवस्था थोड़ी बिन सवार डटा ना करती कदी थान पे घोड़ी किस्मत फोड़ी पे माता ने दुखियारी दुख पावे घना दुख पावे परदेसा में पड़ा रे वीर ब्याही की याद सतावे कर कर याद रोबती होगी या उमड़ के आवे
बर्बाद जा रही है।
तृष्णा जाग रही, पिया की याद आ रही है। किस तरह से
पड़ते ही धर्मवीर के शरीर में खलबली मच गई। मुझे कुमारी से मिलना चाहिए, मेरी व्यस्तता आज 5 वर्ष हो गए, क्या भय माता ने भाग लिखा है? सजनों, सीओ साहब के पास छुट्टी मांगने की खातर आ जाता हूं और सीओ साहब धर्मवीर से पूछते हैं, फौजी धर्मवीर कहिए सीओ साहब, एक बात बताओ। पूछिएगा। तुम बड़े बहादुर जवान हो हमारी फौज के, एक बात बताओ, तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी, ये निराशा आखिर क्यों है, आज क्या कारण है? सीओ साहब, मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। तुम्हारे सामने? जी हाँ। परेशानी है? हाँ। कौन सी है? मैं आपके पास छुट्टी मांगने के लिए आया हूँ। मेरे पास छुट्टी मांगने के लिए आए हो तुम? जी हाँ। और तुम्हें छुट्टी में जरूर मिलेगी, लेकिन छुट्टी का कोई कारण तो है धर्मवीर, हमारे लायक कोई परेशानी हल करने के लायक उपाय हो, हम तेरी मदद करेंगे। मैं सारा हवाला आपके सामने खोल के बताऊंगा। कहिए। अरे सीओ साहब मने छुट्टी दे दो। क्यों भाई? आज बहू की चिट्ठी आई। तेरी खास बहू की चिट्ठी आई है? हाँ। अरे छुट्टी खातर धर्म वीर अरे होनी नहीं मनाई। सीओ साहब मने छुट्टी दे दो, बहू की चिट्ठी आई। अरे छुट्टी खातर धर्म वीर अड़े होगी नहीं मनाई। सुजावनी की तेरा मत घबरा बे धर्म वीर हो इच्छा पूरी माने की। 5 साल के बाद आज घरी तेरा सुजावनी की। तू मत घबरा बे धर्म वीर हो इच्छा पूरी माने की। लगन लागरी घरा जान की, लगन लागरी घरा जान की, याद आवती डाही। और चला जाइए धर्म वीर छू चीले जमन चाही। सीओ साहब मन छुट्टी दे दो, बहु की चिट्ठी आई। और छुट्टी खातर धर्म वीर अड़े सोनी नहीं मनाई। परेशान मत होना, ब्याह होते ही आ जाता भी होया नहीं मेरा गोना। बता भेजन तक उन नाटे सैब परेशान मत होना। सोना गात साथ छूटायो, सोना गात साथ छूटायो, सर पे थी सरड़ाई। अरे 12 साल सती भी साहब मन छुट्टी दे दो, बहु की चिट्ठी आई। अरे छुट्टी खातर धर्म वीर अड़े होनी नहीं मनाई। सुनिए
साहब मन छुट्टी दे दो, बहु की चिट्ठी आई। और छुट्टी खातर धर्म वीर अड़े होगी नहीं मनाई। घर की खातर चाहिए से खर्चा भी घना जरूरी। और मांग ले जो कुछ चाहिए से इसमें के शर्म हजूरी। मजबूरी में जा रहा तकती होगी बात लगाई। और ऋषि पाल रुपये 1700 दे के दिए विदाई। सीओ साहब मन छुट्टी दे दो, बहु की चिट्ठी आई। तेरे छुट्टी चाहिए धर्म वीर अड़े होनी नहीं मनाई। सीओ साहब मन छुट्टी दे दो, बहु की चिट्ठी आई। तुम छुट्टी मांग रहे हो? जी हाँ। तो भाई तुम्हें कितनी छुट्टी चाहिए? देखिए सिंह साहब, 5 साल हो गए हैं, 5 साल से मैं आज तक छुट्टी नहीं गया हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो कम से कम मुझे 2 महीने की छुट्टी चाहिए। ऐसा है, हमारा देश आपातकालीन स्थिति में गुजर रहा है, समय अच्छा नहीं है। ऐसा करो धर्मवीर, मैं तुम्हें 1 महीने की छुट्टी दे रहा हूँ। वक्त तो नहीं था, इसलिए कि तुम वफादार जवान हो, बड़े बहादुर जवान रहे हो। और रुपए कितने चाहिए? सीओ साहब, खर्च करने के लिए कुछ तो रुपए चाहिए। धर्मवीर, तुम्हें मैं 1700 रुपए नकद देता हूँ, और इस रकम को लेकर के वार मत करो, जल्दी चले जाओ। प्रेमी सजनों को बताया जाता है कि धर्मवीर 1 महीने की छुट्टी और 1700 रुपए की नकदी लेकर के चल देता है। ट्रेन में सवार हो गया, ख्याल आ रहे हैं दिमाग में, कौन सा वक्त होगा मैं अपनी ब्याही से मिलूंगा। सजनों, ट्रेन में सवार जब धर्मवीर जा रहे हैं तो एक सुबकती हुई औरत की आवाज आती, कानों ने सुना, नजरें जब पड़ती तो वाकई एक वीरवाणी रो रही, और बिल्कुल वही दुखता जो फूल कमारी के सर पे विपता का पहाड़ टूट चुका है। तो धर्मवीर की आत्मा चाहती उसे कुछ बूझना। एक बात बताओ, कहिए, तुम क्यों रो रही हो? अगर आप मेरी व्यथा ना सुने तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे बतानी पड़ेगी। पूछिए, मैं आपको सारे हालात बताऊंगी। मन का भेद बता दे तू क्यों, घनी दुखी हो रही से तम के बूचा के दुखिया अपने We'll be right back.
जिंदगी ने छोरी से समय के मुताबिक बहुत होते। अब सोच रहे हैं आपस में क्यों भाई फूल सिंह, कहिए बल्लूराम, ये 1700 रुपए की रकम हमारे हाथ लग गई और हमारे बहनोई धर्मवीर का यहां आने का किसी को अता पता नहीं, इसलिए ये रकम
हमारी होनी चाहिए कोई ऐसी विधि, कोई ऐसी तरकीब हम सोचें कि सांप मरे ना लाठी टूटे और इस बहनोई का पिंड भी छूटे। कहिए आप, मैं आपकी सारी बातें सुन। ऐसा करते हैं, इस धर्मवीर को कत्ल कर देते हैं और धर्मवीर का कत्लेआम करने के बाद रातों रात इसकी लाश को अदल बदल कर देंगे, 1700 की रकम को हड़प कर लेंगे। अच्छा, प्रेमी सजनों को बताया जाता है दोनों क्या सलाह मिला रहे हैं, सुनिए। ओला बल्लू राम सगे भाइया ने सलाह मिलाई, 1700 की रकम हड़प करनी चाहिए यो भाई। भूला बल्लू राम सगे भाई आने सलाह मिलाई, 1700 की रकम हड़प करनी चाहिए यो भाई। सौ की रकम
मेरी बात सुनो, इसे जो हमारा बहनो ये धर्मवीर, हाँ, इसे जल्दी से खाना खिला करके और बिस्तर पर लेटा दो, क्योंकि रातों रात हमें ये अपनी योजना पूरी करनी है। अच्छा? हमें 1700 की रकम हड़प करनी है। प्रेमी सजनों को बताया जाता है, खाना खिला करके धर्मवीर को बिस्तर पर लेटा दिया। हरा थका धर्मवीर नींद ने झकझोर लिया, निद्रा की गोदी में सो रहे हैं धर्मवीर को कुछ पता नहीं क्या होगा। फूल सिंह और बल्लूराम ने म्यान से तलवार निकाली और लेकर के चल दिया हत्यारे। जैसे ही धर्मवीर के बिस्तर के पास पहुंचे, तलवार का प्रहार करना चाहा। मौत नहीं, हंसते तलवार छूटकर दीवार में जा टकराई। उस आहट से धर्मवीर की आंखें खुल गई, कहने लगा, बदतमीज कहीं के सोने नहीं देते, क्या कर रहे हो? कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सो जाइए। रिश्तेदार सजनों हाथ कांप जाते हैं, अब उनके बस का धर्मवीर मारना नहीं। सोचने लगे, मनीराम पंडित के पास चलते हैं, हमारा जीवन साथी है, बचपन का यार है। रातों रात मनीराम को जा उठाया और कहा, मनीराम। कहिए बल्लूराम, सो रहे हो? बात क्या है, बात बताइए। ऐसा है, क्या परेशानी आपके साथ? ऐसा है, हमारा बहनोई धर्मवीर, जिसका अभी गौना भी नहीं हुआ है, जो फूल कमारी को ब्याया है, कहिए, 1700 की रकम लेकर के फौज से छुट्टी आया है और 1700 की रकम हमारे पास। अच्छा? हमारे दिल में बद्दी आ गई है मनीराम, हमें ये सारी रकम हड़प करनी है। ऐसा करो, आज तुम हमारे इस काम में साझी हो जाओ। लेकिन काम क्या करना चाहते हैं? तुम्हारे हाथों से हम धर्मवीर का कत्लेआम करवाना चाहते हैं। लेकिन बल्लूराम, ऐसा मत करो, सगे बहनोई को नहीं मारा करते? नहीं नहीं, धीरे से बोलो, कोई सुन लेगा। अच्छा, और कुछ कहना चाहते हो? मेरी बात जरा बल्लूराम गौर से सुन। कह डालो। सोची है क्या भाई? रकम का मामला सर। अच्छा, कितने में ली थी रकम भाई? सब कंगाली दूर हो जाएगी। ओहो, सब बहनों और भांजी। लेकिन मेरी बात पर थोड़ी गौर देना। तेरी बात तो हम सुनने तेरे दौरे तो हम आए हैं भाई, तुझसे काम काढ़ना ना हमें। सफल हो भारे सगे भनोई ने मारो मत बनके ने हाचारे, रकम मिले 1700 की, सब काम सफल हो भारे रे, सब काम सफल हो भारे।
पंडित एक काम कर रहे। कौन सा काम कर रहे? काट दे काम भाई, मारा मौका पड़ गया है। अच्छा, मेरा मौका भी बहुत जोर का पड़ा सब हटवा दे। मत ना गिरे रोड़ा भाई आज, मत ना गिरे रोड़ा। यो लालचपुरी बला थार क्यों पाप जिगर में तोड़ा। बचपन का साथी महाराज काम पड़ा से थोड़ा रे आज, काम पड़ा से थोड़ा। सब काम सफल हो भारे रे, सब काम सफल हो भारे। जिसके सामने आया रे जिसा, जिसके सामने आया। भोग भोगना पड़े एक दिन जिसने पाप कमाया। मनी राम ने मान हमारी होमन दे मन चाहया रे आज, होमन दे मन चाहया। सब काम सफल हो भारे पंडित, काम सफल हो भारे। सगे भनोई ने मारो मत बनके ने हाथारे। रकम मिले 1700 की सब काम सफल हो भारे रे, सब काम सफल हो भारे। सफल हो भारे सगे भनोई ने मारो मत बनके ने हत्यारे। रकम मिले 1700 की सब काम सफल हो भारे रे, सब काम सफल हो भारे। बल्लू दोनों मनीराम पंडित को समझान लगे और लालच देने लगे। मनीराम तू बात हमारी मान ले,
बहनोई मारण की मन में ठान ले। ओ मनी राम तू बात हमारी मान ले, बहनोई मारण की रे मन में ठान ले। यहीं पर धर्मवीर फूल कुमारी का पहला भाग समापन किया जा रहा है। श्रोताओं जय हिंद जय भारत। और दूसरे भाग का श्रोता इंतजार करें अपने टेप में, दूसरा भाग लगाएं। किसे सुनने वाले सभी प्रेमी श्रोताओं को राम राम। चंदा के सिट में किसे का सुनो दूसरा भाग। फूल कमारी ब्याही का लुटता हुआ सुहाग।
रंज का गाना और इसी पाल को सिंदर के संग बालक अमित खजाना। धर्मवीर कुमारी का दूसरा भाग। जी हां सजनों, रंज की गाथा धर्मवीर फूल कुमारी का दूसरा भाग। फूल कुमारी के सगे मां जाए दोनों भाइयों ने, फूल सिंह और बल्लू राम ने मिस कोट कर लिया। सजनों कि अब धर्मवीर को मारना ही, अगर 70 रुपए की रकम हमें हड़पनी है। मनीराम को लालच दे दिया 100 रुपए का। मनीराम खुश होकर के और उस पाप में साझी हो गई। कहते हैं बहुत दिनों में आए हो जीजा जी, ताजा ताजा दूध लेकर आया हूं, इसे पियो ना मेहमान किस तरह से, और दूध में जहर घुला हुआ है सजनों, आइए सुनते हैं। मनीराम कहिए, तुम दूध लेकर के आए हो? हाँ। आज तो बड़ा लाड़ जता रहे हो। इसमें लाड़ साहब की क्या बात है, ये तो फर्ज होता है आदमी का। तुम कुछ कहना चाहते हो? भाव करना। हाँ मेरी बात सुनो। अच्छा, दूध पियो जी, दूध पियो जी, जीजा जी जीजा जी, दूध पियो जी, जीजा जी जीजा जी, भरो घूंट जल्दी जल्दी, भरो घूंट जल्दी जल्दी, ए जीजा होकर राजी, दूध पियो जी, जीजा जी जीजा जी, दूध पियो जी, जीजा जी जीजा जी। हाल के है थारे दम ते, हाल के है
जी जी जा जी जी जा जी भरो